कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी के चलते रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा ने पुलिस अस्पताल का उद्घाटन किया और अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाई, जिसके बाद तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सिंगरौली में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के चलते एसपी वीरेंद्र सिंह के प्रयास और एनसीएल अमलोरी की सहायता से पुलिस कर्मियों के लिए कोतवाली परिसर के पास पुलिस अस्पताल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने किया। पुलिस अस्पताल में पुलिस वाले खुद व अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सकेंगे। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी सहित प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा ने पौधारोपण किया और कहा, कोरोना थम जरूर गया है लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसीलिए लोग अभी भी सावधानी बरतें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। अभी भी अपने को उसी तरह से सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि कई लोग संभावना जता रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ के बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के या अनावश्यक रूप से बाहर घूमने से फिर संक्रमण हो सकता है। अपने को वही सुविधा है तो मैं निवासियों से अपील करता हूँ कि ये वाला जारी रखे, और क्योंकि ऐसे संभावना जता रहे थे कि ये दूसरी तीसरी वेव भी आने का चांस है, तो दूसरी वेव में जो मारामारी हुई थी कि बेड्स के लिए, ऑक्सीजन बेड्स के लिए आना सुविधा के इनपुर है, हेल्प उठा सकते और हमारे कर्मचारी खास करके जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक ड्यूटी में रहते थे, चेकिंग ड्यूटी में जनता कर्फ्यू को अमल कराने में, उनके और उनके परिवारजनों को तो अगर कोई समस्या आती है तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत आने का ये आगे का सोच के तो पुलिस महानिदेशक महोदय ने संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।